जहां एक तरफ लंपी वायरस ने प्रदेश सहित पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था, इस वायरस के कहर के चलते कई पशुओं की मौत भी हो गई थी, मगर समय रहते पशुपालन विभाग ने इस पर काबू पा लिया था। मगर पशुपालकों के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। लंपी वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। यह वायरस पिछले वायरस की तरह घातक है। वहीं पशुपालक विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अलका गुप्ता का कहना है कि यदि किसी गौवंश में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सालय को सूचना दे। आइए जानते हैं लंपी वायरस को लेकर पशुपालक को क्या करना चाहिए, क्या है इसके बचने के उपाय। जिले में भीलवाड़ा जिले में सारी लंपी वायरस से बचाव के कुछ एहतियाती तौर पे जो कदम उठाए जाने थे वो उठा लिए गए हैं। पहला तो जिले में हमने लंपी रोग नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है जो पॉली क्लिनिक में है और 24/7 कार्य करेगा। दूसरा है कि ब्लॉक लेवल पर RRT टीम गठित की जा चुकी है। 15 टीमें जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है हमेशा तैयार रहेंगी। तीसरा है कि सभी संस्थाओं को लंपी वैक्सीन जो होती है गॉडपॉक्स वैक्सीन है वो दे दी गई है और अभियान चालू हो गया है। लंपी रोग के बचाव के लिए पशुओं में सभी गौशालाओं को और जो छोटी डेयरी हैं और पशुपालक हैं उनको जागरूक कर दिया गया है, पत्र व्यवहार कर लिया गया है और बराबर सचेत रहने की हिदायत दी गई है। मच्छर मक्खी इत्यादि से बचाव करें और स्प्रे करें और यदि कोई रोग दिखता है, रोगी पशु दिखता है या रोग के लक्षण लंपी जैसे दिखते हैं जैसे लाल आँख होना, बुखार आना पशुओं में, पशु का भूखा रहना, खाना नहीं खाना और कमजोरी महसूस करना या दूध में कमी होना, लंपी जैसे रोग लक्षण अगर दिखते हैं तो निकट के पशु चिकित्सालय में जाकर तुरंत सूचना दें। पिछले वर्ष लंपी रोग से 3,380 पशु संक्रमित हुए थे जिसमें से 2,564 पशु मृत हुए थे। हम इन आंकड़ों से यह सोच रहे हैं इस बार मिनिमम जितनी कम से कम हो सके संक्रमित दर रहे और मृत्यु हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर हमने जितने भी कदम हो सकते थे पूरी तरह से लिए जा चुके हैं।